और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आदित्य झा। आदित्य, देखिए आज जो विधानसभा की कार्रवाई होनी है वो अपने आप में बेहद खास। बाकी दिनों से, बाकी दिन तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जाती थी, विरोध किया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं सदन में विपक्षी एकजुटता, इसकी मसाल जलाई गई है, वो देखने को मिलेगी। और साथ ही ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आज जो ये मार्च निकाला गया राहुल गांधी के सपोर्ट में, इसमें जेडीयू नदारद नजर आई, जबकि बाकी सहयोगी दलों का सपोर्ट राहुल गांधी को पूरा मिला है। आदित्य, देखिए पूजा, राहुल गांधी के बहाने एक बार विपक्षी एकता को फिर से आगे लाने की कोशिश की गई थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा 2 वर्षों की सजा दी गई थी, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। आज उसका एक नज़ारा बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो वामपंथी दल हैं उन्होंने इस फैसले के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ज्वाइंट प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की विधायक हैं। विपक्षी एकता दिखाने के लिए ये दिखाया किया गया है या राहुल गांधी के प्रति सही में सिंपैथी है आप लोगों को? राहुल गांधी के प्रति सही में विपक्षी एकता नहीं, हम लोग सिंपैथी है। और देख लीजिएगा जिस तरह की राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है, और जिस तरह से विपक्ष की, केंद्र में विपक्ष की आवाज़ को खामोश करना, जो सच्चाई है, राहुल गांधी जी ने उस बात को रखा है और हम मजबूती से हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन आप लोग विपक्षी एकता की बात कह रही हैं, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम वामपंथी दल इस प्रोटेस्ट में थे, लेकिन जदयू तो था नहीं आप लोगों के साथ? हो सकता है कि कोई आया ना हो, लेकिन महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, और ऐसी बात नहीं है कि जदयू नहीं था, लेकिन हम पूरी महागठबंधन और जो केंद्र पे जो सरकार है, निरंकुश सरकार, जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहले भी कहा, कि वैसे लोगों के विरोध में है जो संविधान पे आहुत करना चाहते हैं, जो देश में अंतिम पायदान को खामोश करना चाहते हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, और जो समाजवादी विचारधारा के विरोधी हैं, वैसे लोगों के साथ जो अन्याय करना चाहते हैं, तो हम सभी है, सभी महागठबंधन के सभी लोगों ने राहुल गांधी जी का समर्थन किया। क्या लग रहा है कि 2024 को लेकर के बीजेपी आप लोगों से डर गई है? ये तो सही है कि जनता जान चुकी है, जिस तरह से कृषि बिल आया हो, जिस तरह से किसानों की समस्या हो, किसानों की इतनी हत्याएं हो गई, तब जाके कृषि बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं करूंगी। एक जो संप्रदाय के नाम पर देश में लड़ाई लड़ाने की बात की जा रही है, बार बार आप हिंदुत्व का नारा देकर देश को बांटने की जो कोशिश करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ। लेकिन कविता जी, बीजेपी तो लगातार ये कहती रही है कि आप लोग केंद्रीय एजेंसियों से इतना डर क्यों रही हैं, यदि कुछ क्यों हुआ नहीं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हुई थी, उनसे पूछताछ को लिए फिर बुलाया भी गया है, आप लोग बहुत परेशान हो गई थी, तो लेकिन बीजेपी का तो यही कहना है कि यदि कोई करप्शन नहीं किया है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हीं पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार को लिप्त सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू जी का परिवार दिखता है कि कहीं बीजेपी में बैठे हुए लोग हैं? सिर्फ यहाँ भगाया जाता है कि क्या किया जाता है? हाँ, माननीय अमित शाह जी के बेटे धनाट से धनाट हो गए, वहाँ ईडी और सीबीआई आपकी नहीं पड़ती है? बीजेपी के नेताओं के पास सब दूध के धूले हैं? आपकी नज़रें सिर्फ आती हैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पर? आप जानते हैं कि यह बिहार का आस और विश्वास है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्हीं पर आपकी निगाहें हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको डर है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, उनके पता है कि उनकी जनता उनके समर्थन में है। वो वैसा युवा है जो समाजवादी लोहिया, कर्पूरी और बाबा साहब के आवाज़ को खामोश नहीं होने देगा। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, और जिसका बाप नहीं डरा वो बेटा कभी नहीं डर सकता। उनके साथ आम आवाम खड़ी है, और 24 में तो इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा ही मिलेगा, और इसलिए वो चाहते हैं कि इनके जो तोते हैं वो पिंजरे से खोल देते हैं। लेकिन इससे कोई बात नहीं, हमारे नेता हमेशा उन्होंने संवैधानिक तंत्रों का सम्मान किया है, अलग बात है, लेकिन जो भी संवैधानिक ढांचा में आपके, हमेशा उन्होंने न्यायपालिका का सम्मान किया है जिसके तहत हमारे नेता गए हैं। लेकिन हाँ, जो साजिशें आप करना चाहते हैं उस साजिशों को बेनकाब हम करेंगे और नाकाम होंगे आप। देखिए पूजा, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं उनको परेशान करने की साजिश हो रही है, और यही कारण था कि आज राहुल गांधी के बहाने विपक्षी एकता बिहार विधानसभा में दिखाने की कोशिश की गई। आरजेडी के, कांग्रेस के, तमाम वामपंथी दल के जितने भी नेता हैं उन्होंने सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट किया है। पूजा, बिल्कुल आदित्य, देखिए लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ा सवाल जहाँ आज उठ रहा है जेडीयू को लेकर, क्योंकि जेडीयू के कोई भी विधायक या कोई भी नेता उस मार्च में नजर नहीं आए जो राहुल गांधी के सपोर्ट में निकाला
जा रहा था। इस दौरान एक सवाल ये उठता है कि देखिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस अपने आप में सबसे मजबूत और बहुत पुरानी विपक्षी पार्टी है। अगर कांग्रेस जहां एक तरफ राहुल गांधी को आने वाले समय में पीएम फेस के लिए प्रमोट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जेडीयू नीतीश कुमार को प्रमोट कर रही थी। चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कहें कि उन्हें नहीं बनना है पीएम, लेकिन फिर भी उन्हें प्रमोट किया जा रहा था। कहीं ये तो नहीं कि अंदर खाने से ये बात अपने आप में स्पष्ट हो रही है नीतीश कुमार को, इसलिए आज जो मार्च निकाला गया इसमें जेडीयू का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ? क्या इस एंगल से इसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए पूजा, जेडीयू हमेशा से ये चाहती है कि जो नीतीश कुमार की छवि है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू की तरफ, जदयू उनको सुशासन की सरकार के रूप में प्रोजेक्ट करती है और नीतीश कुमार ये कहते रहे कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, इस तीन चीज़ों से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं करेंगे। यही कारण है कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई थी, जदयू को जितना मुखर होकर बोलना चाहिए था उतना मुखर होकर के ये लोग विरोध नहीं कर पाए। और साहब एक सिंबॉलिक रूप से ये बताया गया कि पाँच वर्षों के बाद आखिर इस केस को क्यों खोला गया है, एक सवाल उठाया गया था। वही बात राहुल गांधी के इशू पर भी है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से कोर्ट ने सजा दी है 2 वर्षों की, उस पर जेडीयू अभी तक बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल रही है। कारण यह है कि एक तो बताया जा रहा है कि जदयू नहीं चाहती है कि कोर्ट के किसी मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें, और 2024 में जिस तरीके से नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कह रहे थे और कांग्रेस के जो जयराम रमेश हों या अन्य जो बड़े नेता जिस तरीके से नीतीश की बातों को बहुत ही हल्के में लिए थे, उससे भी जेडीयू बहुत आहत है। और जेडीयू इसी यही कारण है कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के इस इशू पर खुल के न बोल रही है, न खुल के सामने आ रही है, क्योंकि 2024 में अभी भी जदयू के नेताओं की संभावना इस बात को लेकर के है कि यदि कांग्रेस के नेतृत्व में यदि महागठबंधन या जो भी विपक्षी एकता आगे आने का प्रयास नहीं करेगी तो एक विकल्प के रूप में नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। तो राजनीति बहुत आगे अभी 2024 से पहले बहुत ही बदलने वाली है, क्योंकि विपक्षी एकता की जिस तरीके से बात हो रही है, तमाम जो छोटे छोटे दल के छत्रप हैं वो अपने आप में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और कोई नहीं चाहता है कि एक दूसरे को नाराज किया जाए। यही कारण है कि नीतीश कुमार या जदयू के तरफ से इस इशू पर बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं लाया जा रहा है। एक मामला अभी पूजा आपको याद होगा जिस मामले में राहुल गांधी को सजा मिली है, एक केस जो पटना की कोर्ट में बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी केस किया है और उसकी भी बहुत जल्द तारीख आने वाली है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, उसको लेकर के आहत होकर के सुशील मोदी ने पटना के कोर्ट में भी वही केस किया है, उस पर भी बहुत जल्द सुनवाई होगी। तो बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन विपक्षी एकता को दिखाने का प्रयास किया गया बिहार में, लेकिन जदयू अपने आप को इससे अलग रखी हुई है। आदित्य देखिए, अगर हम बीजेपी की बात कर लें, लगातार बीजेपी विरोध कर रही है और अब विपक्षी एकता की भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण हमें नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कार्रवाई के बाद आखिर किस तरह से और आवाज बुलंद हो पाएगी और किन मुद्दों पर आज सदन में हंगामा होगा। फिलहाल आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।